चुनाव में बीजेपी के छोटे बड़े सभी नेताओं ने किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही और ये भी कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसला हो जाएगा। आज भी उस पहली कैबिनेट बैठक का इंतजार है। आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कर्ज माफी पर बैठक की और उसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से कर्ज लेने पर विचार किया। इस पर अभी चर्चा चल रही है, लेकिन किसानों के अच्छे दिन लाने के लिए योगी छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने जा रहे हैं। आखिर क्या है छत्तीसगढ़ मॉडल? जनमन विशेष, किसानों के अच्छे दिन लाएंगे योगी। मैं देख रहा था पिछले कई वर्षों से किसानों की उपज का क्रय नहीं हो पाता था। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक टीम को बाहर भेजा है। छत्तीसगढ़ के अंदर हर व्यक्ति के लिए खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से मजबूती से लागू है वहां पर देखा जा सकता है। हमारी एक टीम, दो मंत्री, चार अधिकारी उसमें वहां गए हैं। वहां के पूरे सिस्टम को हम ले रहे हैं और हम किसानों के 100% गेहूं का क्रय करेंगे। समर्थन मूल्य किसान के खाते में डालने की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के अच्छे दिन लाने के लिए योगी आदित्यनाथ 600 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का मॉडल लागू करवाने जा रहे हैं। किसानों से अनाज खरीदने से लेकर गरीबों में अनाज बांटने तक आखिर क्या है रमन सिंह का छत्तीसगढ़ मॉडल जिसे योगी अपनाना चाहते हैं, ये जानने से पहले देखिए ये चिट्ठी। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि बयान देने से दो दिन पहले योगी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह से बात की थी और शुक्रवार को 6 लोगों की टीम भी रायपुर जा रही है जो 3 दिनों तक रायपुर में रहकर इस सिस्टम की बारीकियों को समझेगी। छत्तीसगढ़ में राशन बांटने का ऑनलाइन सिस्टम है। बीपीएल कार्डधारी यानी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और गुलाबी अंत्योदय कार्ड वाले मतलब जो मजदूर और अति गरीब श्रेणी में हैं, उन्हें हर महीने राशन दिया जाता है। सभी सरकारी दुकान में राशन बांटने के लिए एक टैब दिया गया है जिसमें राशन की एंट्री की जाती है। ये वो टैब है जो छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी राशन दुकानों में दिया गया है। यहाँ पर राशन कार्ड नंबर लिखा है और चुनिए या तो व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं आप, और जब व्यक्ति का नाम यहाँ डालेंगे तो ये टैब तय करेगा कि ये बीपीएल कार्डधारी है या तो फिर अति गरीब स्तर का जो गरीब होता है वो पात्रता रखता है। टैब में नंबर डालेंगे तो ये बता देगा कि इस व्यक्ति को कितना राशन देना है। प्रत्येक कार्डधारियों को बुनियादी करके सूचना दे करके बुलाते हैं। हर महीने कार्ड के पात्रता अनुसार हम उनको राशन सामग्री की वितरण करते हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार ने राशन की जो मात्रा तय की है उससे ज्यादा रमन सरकार अपने खाते में देती है। बीपीएल कार्डधारियों को केंद्र सरकार की तय रकम 3 रुपए की जगह 1 रुपए किलो चावल दिया जाता है और हर सदस्य को 5 किलो की जगह 7 किलो चावल दिया जाता है। यानी घर में 5 सदस्य हैं तो हर महीने 35 किलो। इसके अलावा सस्ती दर पर किरासन तेल और चीनी दी जाती है। एक व्यक्ति के खाद्यान्न की आवश्यकता रफली 680 ग्राम्स होती है तो उसके हिसाब से यहाँ पर 2 किलो और राज्य सरकार की ओर से ही प्रदाय किया जा रहा है। इसके अलावा हम अनेक ऐसी चीजें दे रहे हैं जो जिसके लिए राज्य अपने संसाधनों का उपयोग करता है, जैसे कि रिफाइंड आयोडाइज सॉल्ट ताकि वो आयोडीन डेफिशिएंसी वाली बीमारियां न फैलें। छत्तीसगढ़ में 58,80,000 लोग को पीडीएस के तहत राशन दिया जाता है। ये सिस्टम साल 2008 से छत्तीसगढ़ में लागू है। जिस व्यक्ति को राशन दिया जाता है उसकी फोटो खींचकर कंप्यूटर पर अपलोड भी की जाती है। फोटो खींचने के बाद ही राशन दिया जा रहा है और खींचने के बाद ही उसको शासन को भी ये मालूम रहता है कि इस जनता को राशन मिल रहा है। अब बात किसानों से फसल खरीदने की, जिसको लेकर योगी छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ कर चुके हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा घोटाला खाद्य विभाग में ही हुआ। 17 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को जेल जाना पड़ा तो वहीं 2 IAS अधिकारियों पर कार्रवाई लंबित है। इसके बाद भी देश भर में छत्तीसगढ़ के पीडीएस मॉडल का डंका बज रहा है। छत्तीसगढ़ में धान मुख्य फसल है जबकि यूपी में गेहूं।
उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद का ये हाल है कि पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार खाद्य विभाग अपना लक्ष्य पूरा कर पाई। 3 साल तो खरीद का आंकड़ा 10 लाख मीट्रिक टन भी नहीं पहुंचा। 2016-17 में लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का था, जबकि सिर्फ 8 लाख मीट्रिक टन खरीद पाए। छत्तीसगढ़ में तो पिछले साल ही 69 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। दरअसल इस बम्पर खरीद के लिए एक सिस्टम बना है। किसानों की सुविधा के लिए हर साल 2-2.5 महीने तक रजिस्ट्रेशन होता है और फिर सहकारी समितियों के जरिए धान खरीदा जाता है। किसानों की सुविधा के लिए लगभग 1990 उपार्जन केंद्र पूरे प्रदेश में खोल रखे हैं, ताकि किसान को बहुत ज्यादा दूर अपने धान के विक्रय के लिए न जाना पड़े। हर साल नवंबर से जनवरी तक धान की खरीद होती है। प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदा जाता है। 2015 में 72 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ, जिसमें करीब 60 लाख मीट्रिक टन धान सरकार ने खरीद लिया। 2016 में 120 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ था, जिसमें 69 लाख मीट्रिक टन धान रमन सरकार ने खरीदा। किसान जैसे ही सहकारी समिति में अपना धान बेचता है, उसकी एंट्री कंप्यूटर में हो जाती है, जिसकी जानकारी समिति बैंक को भेज देता है। इसके बाद मार्कफेड यानी धान खरीदने वाली एजेंसी बैंक के खाते में पैसा जमा करती है, जिसका भुगतान बैंक किसानों को कर देता है। 2 या 3 दिन या अधिकतम 5 दिन में किसानों के खाते में पैसा जमा हो जाता है। अब योगी आदित्यनाथ भी भ्रष्टाचार खत्म करके किसानों और गरीबों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की कोशिश करने के मिशन पर जुट गए हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।